खाने का मन नहीं कर रहा तो रहने दो। बैग रेडी। ये नहीं करना जब दर्द आएगी ना तब बहुत सारा माइक। बाय बाय भैया। वाटर लीकेज हो चुकी है बट हम वेट कर रहे थे कि देखो शायद कम हो जाए रुक जाए बट वो कंटिन्यूसली हो रही है, रुक रुक के हो रही है पर हो रही है। तो इसलिए फाइनली हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल और अब बज रहे हैं शाम के 7। मोटिवेट कर रही हूँ बनाते रहो। शाम के बज रहे हैं 7 और बाहर धमाकेदार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसे में हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, अभी नहीं थोड़ा सा रुक के जाएंगे, मतलब थोड़ा सा बारिश थोड़ी सी शांत हो जाए उसके बाद। मन में कुछ अजीब सा डर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब एक टाइम पे मुझे हंसी आती है और एक टाइम पे मुझे डर लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब क्या होने वाला है, डर दर्द को लेकर। बट मैं नहीं सोच रही ज़्यादा, मैं कह रही हूँ ठीक है जो होगा आई कैन हैंडल, आई विल हैंडल, ठीक है। और हो चुके हैं रेडी और हाँ मैंने आज भी कोलैब करा है अपना, क्योंकि लास्ट का था और मैं नहीं चाहती थी मॉमी टू बी और डैड टू बी वाला जो था कोलैब वो मिस हो। ओह यहाँ थक गया। ड्रामा करते नहीं रही कहीं छोटा नहीं क्यों नीचे हो जाएगा गोल गोल नीचे दोनों को सेम ऐसे करते ही हैं करेंगे नहीं खुद करो लगे तो कुछ पकड़ लो हाँ और ऐसे वाला ना करके फिर थोड़ा सा के देना ठीक ठीक हाँ ले खाओ खाओ कुछ खाओ कुछ खाओ घर में तो यही कहते हैं नीचे कुछ नहीं दिख लग रहा जैसे शरीर का वजन तल में सहन नहीं कर पा रही थोड़ी देर भी नंगे पैर अगर मैं जैसे बैठ बैठी नहीं तो जाओ अभी वैसा वाला चीज नहीं खत्म करने वाली थी मैं हां वो हो जाएगी ऐसे होगा चाचा तो कितने दिन नहीं देखो अगर खाने का मन नहीं कर रहा तो रहने दो नहीं नहीं दिखाओ इससे तो बच्चा बहुत ठीक ना होगा जल्दी जा रहा है घी और डाल के दिए जैसे भी तो मैंने टुकड़े पीस दी मैं सब देखिए से वो लच्छे से ना मन लटकते हैं खाते नहीं मन थोड़ा तो खा ले भैया भी खा रहे हैं तैयारी हो रही है मुझे भी ताकत चाहिए जाने की तैयारी नहीं पता बैग रेडी सिमई खाता अभी तक होता हुआ बैग नॉर्मल लगने लग गया बस ऐसे ही क्या ऐसे ही हो होता है हैं क्या तुमसे पता है समझाने इतने से क्या कोशिश कर रही समझाने की कि वो कुछ खाने मना खा लोगी फिर एकदम लगता है कि ऐसा जरूर सब हुआ पार्ट समझ में आ गए थे जो टीचर समझा रहे थे अब बल्ले बल्ले ऐसे तो कोई भी इतने कर लेगा अभी ऐसे वहाँ खड़ा हुआ जो भी बारिश हो रही है ओले भी पड़े हैं आंधी भी आ रही है थोड़ी देर बाद जाएंगे मम्मी ब्लॉग में बता दीजिए वहाँ पे और जा जब तक पानी भर जाएगा जब भी तो जाते हैं कृष्ण भगवान को लेकर सर मैं रुक जाओ भी जब जाते ही खबर मिल जाएगी जल्दी चलिए जाए खुश होगी बता तो नहीं ऐसे होगी और क्या तुम्हें
वो तो चिल्ला तो चिल्लाना अपने दाँत बीच लो बीच लेते बहुत से लोग है ना दाँत दर्द ज्यादा हो जाता कि नहीं लगता जब दर्द आएगी ना तब बहुत सारा माए दर्द आते ना दूसरा देख लग रहा है नहीं दूसरे को देखे सब उस टाइम ये ध्यान आएगा देखो हेलो बाय भाभी बाय बाय टेक केयर ये किसका है ये मेरा है बुआ जामा देगी डबल बुआ लेके आना भाभी देखो क्या होता है रिपोर्ट आ गई है।
हॉस्पिटल में तो मैं ये क्लिप शूट नहीं कर पाई थी, ना वहाँ पर आपको बता पाई थी, ना ही फैमिली का कोई और मेंबर बता पाया था, क्योंकि हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है हर चीज़ की वीडियो बनाना। इसीलिए मैंने सोचा कि ये बीच में क्लिप ऐड कर देती हूँ अब शूट करके। पूरे 10 घंटे पेन सहने के बाद फाइनली हमें हमारी बेबी मिल गई, जिसमें कि 7 घंटे तो अच्छे पेन थे, बट लास्ट के 3 आवर्स इतने डिफिकल्ट और आई कांट डिस्क्राइब वो लास्ट के जो 3 घंटे थे वो कितने दर्द भरे थे। मेरा डराना मोटिव नहीं है, बट हाँ मुझे लास्ट का जो पेन था, जो लास्ट का दर्द था, वो इतना भयानक था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उसको। 10 घंटे दर्द सहने के बाद फाइनली नॉर्मल डिलीवरी से मुझे मेरी बेबी मिल गई। वी गॉट ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। और करते हैं 5,200 रुपए ज्यादा देने की मर्जी, ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन कम नहीं दे सकते। अच्छा तो ठीक है, मैं थाईलैंड के 5,000 दे दूंगा। थाईलैंड के 5,000 रुपए यहाँ के 5,500 होते हैं ना। कम करना है ना, जैसे ज्यादा बढ़ा सकते हैं। नहीं मैं 10,000 दे दूंगा, मैं वहाँ के 10,000 दे दूंगा। थाईलैंड के 10,000 यहाँ के 10,000 होते हैं। तो फाइनली हम जा रहे हैं घर के लिए।